आज मैंने खुद से पहने हैं, ये मेरी अम्मी ने मुझे छोटी ईद पे दिए थे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि मेरी अम्मी ने दिए हैं। अम्मी की दी हुई हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और इधर भी बहुत अच्छी। आमना, और ईद वाले दिन भी मेरा बेटा साहब मेरे साथ लड़ रहा है। मैं लड़ रहा हूँ? तो कौन लड़ रहा है? आप लड़ी, मैं माँ होकर तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ठीक है, ये देखे, ये दुपट्टा लिया है और आज अब्दुलरहमान की शिकायत पक्की है। ईद वाले दिन भी इतने सुबह से लड़ रहा है, सुबह से मेरे साथ लड़ रहा है, जैसे कि मैं ना इसकी वो गुलाम होती हूँ। मैंने क्या तंग किया तुझे, मुझे बता दे। आप मुझे बार बार कह रही कि नीचे चले। तो नीचे जाने का कह रही हूँ मैं, जहन्नम में जाने का तो नहीं कह रही आपको। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और दूसरा, शुरू में आपने एक शॉर्ट देखा होगा कि जिसमें अब्दुलरहमान मेरे साथ मतलब कि बस थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन ये रोज़ का ही काम है, मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ। मैं कहती हूँ खैर है, बच्चा है बच्चा, लेकिन दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन किसी का बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है, ये मुझे पता है कि मेरे खुदा को पता है कि कितना मुश्किल ये काम है। चलें, इसका बदला अल्लाह तो कभी मुझे देंगे इंशाल्लाह, अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है मुझे। कपड़े शपड़े पहने थे ईद के, बस अभी ये घर का ही ड्रेस है, न्यू नहीं पुराना ही है, लेकिन सेहत तंदुरुस्ती हो तो पुराने कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं इंसान पे। तो अभी बस मैं घर का थोड़ा सा काम कर लिया था, थोड़ा सा भी करना है, फिर मौसम भी ख़राब है, बारिश का हो रहा है, तो उसके बाद फिर दिन की जो भी रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, आज दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं मोबाइल चार्ज पर लगाने लगी, थोड़ा सा काम करूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी। सारा काम मैंने कर लिया था और ये कपड़े भी धो दिए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना, फिर आपके साथ वीडियो बना के शेयर करती हूँ कि मैंने आज खाने में क्या बनाया है। गर्मी भी है, देखिए धूप निकली हुई है, उधर बादल भी हैं लेकिन गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करूँ, खाना तो बनाना है ना। मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म भी हो गया, अब ये खड़े मसाले डालूंगी मैं इसके अंदर, जब इनका थोड़ा सा कलर निकल आएगा उसके बाद फिर प्याज डालती हूँ। मसालों का कलर निकल आया, अब हम लोग डाल रहे हैं प्याज। आमना बेटे आप पीछे लग गई, यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया, अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह है, चिकन को 10 से 15 मिनट हम लोग करेंगे ब्राउन, ताकि इसका कलर भी अच्छी तरह निकल आए और ये ज़रा इसका जो चिकन का है जायका वो भी ज़रा खत्म हो जाए। बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन काफ़ी हद तक हो चुका है, जैसे मैंने करना था ब्राउन करना था, हो चुका है, इसका कलर भी काफ़ी निकल चुका है। अब इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर, 2 टमाटर है, टमाटर डाल के फिर हम एक दफ़ा चम्मच मारेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, अब इधर लाल मिर्च, गरम मिर्च, पीसा हुआ धनिया और नमक एक एक चम्मच, आप हद पे ज़रूर डाल सकते हैं, ये मैंने अपने बच्चों के हिसाब से डाला है, मेरे बच्चे बहुत कम नमक मिर्च खाते हैं। बिस्मिल्लाह, वो वीडियो डिलीट करनी है। अच्छा, ये दही डाली मजन, अंदर जर्दा कलर मिक्स करके, हल्दी नहीं डाली ना, बस जर्दा कलर, इसमें पानी चाहिए था, हंस में जरूरत है दही डालना, हमने ज्यादा भी नहीं डाल देना और कम भी नहीं डाल देना। मैं
मेरे हाथ कांप रहे हैं, कांप पे टांग रही हैं। कांप पे टांग रही हैं। आमना कानो को? पता नहीं हाथ क्यों कांप रहे हैं। पीछे के बैठो। हालांकि सिक्योरिटी अंकल ने मुझे सलाम किया है। हम लोगों ने खाना खा लिया और आज हमारे घर बोतल आई है तो ये सारी इस गंदी बच्ची ने पी है। गंदे बच्चे हो आप? नहीं, हमने तो बहुत अच्छी बच्ची और लेकिन सारी इसने बोतल पी है, इतनी ज़्यादा बोतल पीती है ना, वो गुस्से से मुझे देख रही है। देख रही हो? कहते गुस्से से देख रही हूँ। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ईद का दिन था लेकिन पता नहीं क्या टेंशन थी, समझ नहीं है कोई, जहनी तौर पे कोई टेंशन आता क्या, वाजह तौर पे तो कोई टेंशन नहीं थी लेकिन थी, पता नहीं क्या थी, तो जहन पे बोझ ही बना हुआ था। तो सारा दिन किसी को फ़ोन भी नहीं किया, किसी से नहीं मिले गले। तो शाम में फिर बच्चों ने थोड़ी ज़िद की कि मामा पार्क जाना था, फिर इनको हमारी दौड़ बस पार्क तक होती, फिर इनको पार्क लेके गई थोड़ी देर। अब थोड़ी देर पहले आए तो मैंने कहा चले आज का ब्लॉग तो एंड करके अपलोड कर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो, राज बेगम ब्लॉग के नाम से इंस्टाग्राम, उसको भी लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।